पाकिस्तान की सबसे ज्यादा विजिटेड प्लेस मरी, जो कि दिन में मुशपुरी, नथिया गली एंड अयूबिया और भूरबन जैसी खूबसूरती के अलावा रात में इंतहा खामोश और एक अलग ही मंजर पेश करता है। बहुत से टूरिस्ट जो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ या फिर अपनी फैमिलीज के साथ मरी विजिट करने आए, जाते जाते अपने साथ कुछ ऐसे वाकयात ले गए जो उन्हें दोबारा मरी आने से रोकते तो नहीं, मगर रात के वक्त मरी की सुनसान सड़कों पर अकेले टहलने से खबरदार ज़रूर करते हैं। वो वाकयात क्या हैं और उन लोगों के साथ क्या क्या हुआ, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सब कॉन्टिनेंट की पार्टीशन से पहले पीर पंजाल रेंज के रीजन गलियात में मरी एक सुनसान, स्याह और घना जंगल हुआ करता था। 1851 में ब्रिटिश इंडिया की जानिब से मरी की तामीर शुरू कर दी गई और 1853 तक मरी अपने वजूद में मुकम्मल हो चुका था। शुरुआत के दौर में मरी को एक सेनेटोरियम के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जहाँ बीमार ब्रिटिश फौजियों का इलाज किया करते थे। जो फौजी जान से हार जाते उन्हें क्रिश्चियन सेमेट्री मरी में दफना दिया करते, जिसे आज के दौर में गोरा कब्रिस्तान कहा जाता है और बहुत से लोगों का उसे पूरा सरार मानना है। 1947 की पार्टीशन से पहले मरी का एक्सेस सिर्फ यूरोपियंस को अलाउड था, यानी कि उस वक्त उनके अलावा वहां पर कोई जा नहीं जा सकता। पार्टीशन के बाद क्योंकि मरी पाकिस्तान के हिस्से में आ गया तो ये सभी के लिए एक टूरिस्ट स्पॉट बन गई। तब से लेकर अब तक जितने लोग मरी आ जा चुके हैं उनमें से माइनॉरिटी का ये मानना है कि मरी में कुछ मकाम ऐसे हैं जो कि पुरसरार हैं, यानी कि हॉन्टेड हैं, और ये कि रात के वक्त वहाँ पर जाना ख़ास तौर पे मना कर दिया गया। उन पुरसरार मकामात में मुश्कपुरी, नथिया गली और पटियाटा भी शामिल है। अब इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि मैं पूरे के पूरे मरी को ही हॉन्टेड कह रहा हूँ, बल्कि कोई भी जगह जो इन चार रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती हो, दैट मीन्स इट इज़ हॉन्टेड। नंबर वन, अबैंडन, कोई भी ऐसी जगह जो कि अरसाए दराज से बंद हो। नंबर टू, डार्क, लाइट सोर्स का किसी भी तरह से कोई एक्सेस ना हो। नंबर थ्री, अनक्लीन, ऑब्वियसली जहाँ सफाई और पाकिजगी का ख्याल ना किया जाए। नंबर फोर, कोल्ड, यानी कि बाहर के मुकाबले इनडोर टेम्परेचर कम हो। जो जगह इन चार रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है, दैट मीन्स इट इज़ हॉन्टेड, फिर चाहे वो मरी में हो या दुनिया के किसी भी हिस्से में हो। 2017 में 5 लड़कों के ग्रुप ने आधी रात को अंदरून मरी हिल्स में हाइक करने का फैसला किया, मगर उनका ये इरादा उनके लिए क्या से क्या बन जाएगा इस बात का उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। 2017 में एक प्राइवेट कॉलेज का टूर मरी गया, जिसमें से 5 लड़कों का एक ग्रुप था। उन 5 लड़कों में से एक का नाम शमीम है, जिन्होंने अपना ये वाकया भेजा। शमीम कहते हैं कि इस वाकये से पहले हम सब दोस्त हर तरह से लापरवाह हुआ करते थे, हमें किसी बात का डर नहीं हुआ करता था और अपनी मस्ती में मगन रहते, हर वो काम करते जिससे हमें रोका जाता। हम सब मुरीदके के रिहायशी हैं और वहाँ से हमारा टूर मरी की तरफ रवाना हुआ। तवील सफ़र के बाद शिद्दत से भूख लगी और होटल में चेक इन करते ही हम खाना खाने निकल गए। खाने के बाद माल रोड पर शुगल मस्ती करते रहे और फिर 12 बजे अपने रूम में वापस आ गए। रूम में वापस आकर हम ताश के पत्ते खेल रहे थे कि एक दोस्त ने मरी हिल्स जाने की बात की। एक लम्हा तो हम सब ने एक दूसरे को देखा और दूसरे लम्हे हम सब ने जाने का फैसला कर लिया। अब हमें कुछ देर तक इंतज़ार करना था क्योंकि हमारे साथ आए प्रोफेसर्स के जागते हुए हम जा नहीं सकते थे। तकरीबन 2:30 बज गए और हम एक फ्लैशलाइट लेकर निकल गए। माल रोड से नीचे उतरकर हम चलते रहे और एक आर्मी गेस्ट हाउस की जानेब जा पहुँचे। वहाँ कुछ देर रुके, खुली खिड़की वाले कमरों में झांकने की कोशिश की, मगर गार्ड्स की वजह से नाकाम रहे। गेस्ट हाउस की एग्जिट से हम अंदरून मरी हिल्स की तरफ चल पड़े। जूं जूं हम आगे बढ़ते रहे, अंधेरा मजीद होता गया, इतना कि सिर्फ फ्लैशलाइट की रोशनी की हदूद तक नज़र आ रहा था, वो भी बामुश्किल। इसके अलावा खामोशी ऐसी जो बहुत अजीब महसूस हो रही थी। इस सब में हमारे ग्रुप के 2 लड़के अपने हाल में मस्त थे, एक दूसरे के साथ मजाकतन नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किए जाएं और हम सबको गैर मरी मखलूक का हवाला देकर डराने की कोशिश करते रहे। ना जाने इतने में हम जंगल के किस हिस्से में आ चुके। दरख्तों की ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी, यकदम हमें दरख्तों पर जैसे कोई भारी सी चीज़ किसी दरख्त पर आ बैठी हो, या एक दरख्त से दूसरे दरख्त की जानिब गई हो, कुछ ऐसी आवाज़ सुनाई दी हो और हम डर से गए। ना जाने ये क्या था, कुछ पल खामोश रहकर रुक गए और इसी दौरान एक दोस्त ने बंदर का हवाला देकर तसल्ली दी और हम चल दिए। चुनाचे हम आपस में बात कर रहे थे कि मेरे एक दोस्त को किसी औरत की चीख सुनाई दी,
जो हम में से किसी ने नहीं सुनी थी। हमें लगा शायद मजाक कर रहा होगा। अब हमें मामला कुछ और लगने लगा और हमने वापसी की ठान ली, मगर शायद हमने देर कर दी थी। हमने कदम लिया ही था कि हमारे सरों पर मौजूद दरख्तों से ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे कोई चीज़ तेज़ी से अलग अलग दरख्त पर बैठ रही हो। हमारी हालत गैर हो चुकी थी। हैदर सिसकियां लेके रोने लगा कि इसी दौरान नहायत खौफनाक औरत की चीख सुनाई दी और वो चीख हमारी रीढ़ की हड्डी से लेकर सर के बालों तक महसूस हुई। ऐसी चीख मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी थी। हम आयतुल कुर्सी का वेट करके भागने लगे। इसी दौरान हमारे पीछे जैसे ज़मीन पर कोई ज़ोर से गिरा हो या ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ हमारे पीछे लग गई हो और उसके कदम हमें बाकायदा महसूस होने लगे। अल्लाह अल्लाह करके हम लोग किसी तरह दोबारा उस गेस्ट हाउस की जानिब जा पहुँचे। वहाँ मौजूद गार्ड्स के सामने जाकर हम गिर गए। हमारे सांस उखड़ चुके थे और जिस्म गर्म सर्द हो रहा था। हमारी इस हालत को देखकर वो गार्ड्स हमें अपने क्वार्टर्स में ले गए और कुछ देर बाद मैंने उन्हें तफसीलन ये सारा वाकया बयान किया। ये सुनकर वो एक दूसरे को देखने लगे और मुझसे मुखातिब होकर कहने लगे कि खुशकिस्मत है हम जो बच गए और ज़िंदा वापस लौटे। हम फजर तक उनके पास रुके। सभी को तेज़ बुखार हो गया था मगर हैदर की हालत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से उसे एमरजेंसी में लेकर जाना पड़ा। टूर से वापसी पर हम एक हफ़्ता घर में रहे और उसके बाद जब हमारी मुलाकात हुई तो मालूम हुआ कि हैदर के रोने की वजह डर के अलावा कुछ और भी थी। हैदर कहता है जब दरख्तों पर उछलने की आवाज़ आई तो उसने फ्लैशलाइट ऊपर करके देखा तो उसे दरख्त से बड़ा काला कपड़ा लटकता हुआ नज़र आया। कुछ ही सेकंड्स में उस कपड़े में से एक औरत का सर नमूदार हुआ जैसे वो मेरी तरफ देख रही हो और उसकी आंखें बकायदा चमकी और उसके बालों का साया दरख्त पर बकायदा पड़ा और उसी दौरान हम सबको वो चीख सुनाई दी। इस वाक्य ने हमारी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बकायदा 5 वक्त के नमाजी हैं। इन लड़कों के साथ जो वाक्य पेश आया वो है तो बहुत ही खौफनाक, मगर इसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन इनकी ज़िंदगी में आई हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। नमाज को इग्नोर मत कीजिए, नमाज एक डिसिप्लिन का नाम है और जब डिसिप्लिन को ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया जाता है तो आपके काफ़ी मामलात दुरुस्त हो जाते हैं। इसी के साथ एक और वाक़या है आयमा का। आयमा का ताल्लुक जेलम से है और आयमा कहती हैं कि वो अक्सर अपना विंटर वेकेशन स्पेंड करने बचपन में अपनी फैमिली के साथ मरी जाया करती थी, मगर एक मरतबा एक टूर उनकी पूरी ज़िंदगी के लिए यादगार बन गया। मेरी उम्र 11 साल थी जब मेरे साथ ये वाक़या पेश आया। सर्दियों की छुट्टियों में अक्सर मेरे बाबा हमारी फैमिली को मरी लेकर जाते थे। मेरी फैमिली में सबसे बड़ी मैं और मुझसे छोटे 3 भाई। मरी जाने से पहले बाबा गेस्ट हाउस की बुकिंग कराते, मगर एक मरतबा न्यू ईयर की वजह से माल रोड के करीब तकरीबन सारे गेस्ट हाउस बुक हो चुके थे तो हमें बाबा के दोस्त का एक घर मिला जो माल रोड से 30 मिनट की दूरी पर था। सामान घर पर छोड़कर हम माल रोड पर सैर सपाटा करने चले गए, न्यू ईयर सेलिब्रेट की सबके साथ और वापस आ गए। जिस घर में हम रुक रहे थे वहाँ तकरीबन 3 कमरे थे। मेरा कमरा मामा बाबा के साथ था। मैं और मुझसे छोटा भाई जिसकी उम्र तब 9 साल थी, हम दोनों मामा बाबा के साथ वाले कमरे में सो रहे थे। मेरे कमरे से बाहर लगे खूबसूरत दरख्त और झूला नज़र आ रहा था। मैंने खिड़की से पर्दे हटा दिए ताकि मेरे कमरे में थोड़ी रोशनी आती रहे। मुझे नहीं याद कि रात के किस पहर, मगर किसी शोर की वजह से मेरी आंख खुली। शोर ऐसा था कि जैसे झूले पर कोई झूल रहा हो और जंग की वजह से झूला शोर कर रहा हो। खिड़की मेरे बेड के साथ ही थी तो जब मैंने थोड़ा सर उठाकर देखा तो झूला अपने आप झूल रहा था और उस पर कोई मौजूद भी नहीं था। ये देखकर मैं डर सी गई और कंबल में मुंह दे दिया और आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी। छोटी थी तो डर की वजह से हिला भी नहीं जा रहा था कि भागकर मामा बाबा के कमरे में चली जाऊं। मगर फिर छोटे भाई का भी ख्याल आ गया। कुछ ही मिनट्स के बाद झूले का शोर बंद हो गया। कुछ देर बाद मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम हो सकता है। मेरी आंख लग गई और सुबह उठते ही मैंने अपनी वालिदा को ये किस्सा बयान किया तो उन्होंने भी इसे महज वहम समझा। अगली रात फिर सोने की तैयारी कर रहे थे, मैं और मेरा छोटा भाई कमरे में आकर अपने अपने बेड पर लेट गए और इस बार खिड़की के पर्दे आगे करके हम सो गए। फिर अचानक मेरी आंख खुली
और वही झूला दोबारा झूल रहा था। इस बार मैंने हर तरफ देखा मगर हवा नहीं चल रही थी और मैं अपने कंबल में घुस गई, पर वो झूले का शोर अब ख़त्म नहीं हो रहा था। मैं लेटी रही, आयत पढ़ती रही और फिर जाकर कहीं वो शोर ख़त्म हुआ। काफ़ी देर सोचने के बाद मेरे अंदर एक बेचैनी पैदा हुई कि आखिर ये माजरा क्या है। जब कंबल सरक कर मैंने खिड़की की जानब देखा तो पर्दों पर एक काला साया मुझे दिखाई दिया, जैसे कोई खड़ा कमरे के अंदर देख रहा हो। ये देखने की देर थी कि उसके बाद मुझे नहीं याद कि क्या हुआ क्या नहीं। सुबह मेरी आँख खुली तो मैं तेज़ बुखार का शिकार थी। उस रात जो भी हुआ मेरे साथ, हो सकता है कि वहम हो या फिर कोई मेडिकल कंडीशन, जिस बात से मैं बिल्कुल भी इनकार नहीं करती, पर जो हुआ अगर वो हकीकत थी तो आयतुल कुर्सी ने मेरा साथ दिया। आप सबसे भी यही गुजारिश है कि सोने से पहले अल्लाह को याद किया करें और आयत पढ़ के सोया करें। अकॉर्डिंग टू माई पैरानॉर्मल रिसर्च, 100 में से तकरीबन 5 लोगों के साथ जिन्नात से मुंसलिक वाक़यात पेश आते हैं, यानी कि जिनमें हकीकत में जिन्नात की इन्वॉल्वमेंट होती है, मगर जो 95% ऑफ द लोग होते हैं उनके साथ सिर्फ वहम होता है। और उस वहम की वजह बचपन में सुनाए गए वो तमाम किस्से हैं जो हमने अपनी नानी दादी मामू चाचू से सुने हैं जिन्नात भूत और चुड़ैलों के मुतल्लिक। अब होता कुछ इस तरह से है कि अक्सर जब हम किसी वीराने से या किसी तन्हाई में मुब्तला हों तो जो बचपन में हमने कोई किस्सा सुना होता है कि फ़लाना शख्स वीराने से गुजर रहा था या वो अकेले कमरे में लेटा हुआ था या उसके घर वाले बाहर थे तो उसके साथ ये वाक़या पेश आया, तो जो आपके सबकॉन्शियस में वो सारी बातें फीड होती रही हैं बचपन से, उन बातों को पुश करने की कोशिश करता है, तो इवेंचुअली वो आपका फियर बन जाता है और आपका फियर एक शेप इख्तियार कर लेता है जो आपने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी होती। और ये सब आपकी एक माइंड गेम होती है जो आपका दिमाग आपके साथ खेल रहा होता है। तो इस बात को ख़ुद भी हजम कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स कमिंग। दोबारा मरी आने से रोकते तो नहीं, मगर रात के वक्त मणि की